और बुरहानपुर जिले में प्राचीन स्वामी नारायण मंदिर के महंत कोठारी ब्रजबल्लभ दास जी ने प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय पाटोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पोथी यात्रा के साथ साथ कथा का वाचन भी किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर से धनुर्मास के चलते यह माह एक प्रभात फेरी निकलेगी और इस प्रभात फेरी में घर घर पहुंचकर भगवान स्वामी नारायण भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं पाटोत्सव के तीसरे आयोजन में गुलाब की पंखुड़ियों से भगवान विष्णु का पुष्प अभिषेक होगा। यह 16, 17, 18 जो 12वें महीने की तारीख है उसमें श्री हरि चरित्र कथा का आयोजन किया गया है। उसमें यह श्री स्वामीनारायण मंदिर सीलमपुरा बुरहानपुर इस मंदिर का 194 पाठोत्सव है। उस पाठोत्सव के अंतर्गत कथा रखी गई है। 18 तारीख को सुबह 6:30 बजे महाभिषेक रखा गया है और 11 बजे अन्नकूट की आरती रखी गई है, तो सभी भाविक भक्तगण इसका लाभ जीरो। प्रभात फेरी भी है जो कि धनुर्मास है पावन। धनुर्मास का प्रारंभ कल से होने वाला है, प्रभात फेरी शुरू होगी। प्रभात फेरी यहाँ के बुरहानपुर सिटी के विभिन्न विभिन्न विस्तार में जाएगी और वहाँ सुबह भजन भक्ति के साथ जाएगी। बहुत सारे भक्तगण इसमें जुड़ते भी हैं। सुबह सुबह प्रभु का नाम लेना चाहिए, यही हमारे धर्म संस्कृति का नियम है।